अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गाजर से दो तरह के अचार बनाऊंगी, एक गाजर का पानी वाला अचार और दूसरा गाजर का मसालेदार अचार। दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे गाजर ले ली हैं, उनसे पहले छील लिया, धो लिया अच्छे से। और यहाँ पर सबसे पहले मैं गाजर का पानी वाला अचार बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने जो है गाजरों को कद्दूकश कर लिया, ग्रेट कर लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें एक बड़ी प्याज भी डाल रही हूँ। तो इसे भी मैंने बारीक स्लाइसेस, तो इस प्याज के भी मैंने बारीक स्लाइसेस काट लिए। जार को मैंने पहले ही धो के खुश कर लिया था। अब मैं इसको कटी हुई प्याज और गाजर को इस जार में डाल दे रही हूँ। अब पानी वाला अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कप सिरका ले रही हूँ और एक कप ही पानी, सादा पानी है, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, वन टेबल स्पून शक्कर। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ इसमें जार में डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और बस अब ये तैयार है। ये इतना इंस्टेंट है, ये इसको तैयार किया जाता है, ये बनाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसको आराम से खाया जा सकता है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसे फ्रिज में रखें। मसालेदार अचार बनाने के लिए गाजरों के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और एक पोथी लहसुन भी ले रही हूँ ताकि इसका ज़ायक़ा और भी बहुत ही अच्छा सा आए। तो इनके बनाने के लिए मैंने गाजरों को जो है पीसेस कर लिए हैं और येलो पार्ट भी रिमूव कर दिया, साथ में हरी मिर्चें काट ली। छोटी सी पोथी लहसुन की डाल दें और लहसुन की जड़ों को भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। फिर इन सब्जियों को मैंने एक खुले बर्तन में 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दिया है ताकि इन सब्जियों का पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। अचार में डालने के लिए थोड़े से साबित मसाले ले रही हूँ। इसमें 2 बड़े चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच सौंफ, कच्ची सौंफ है ये 2 चम्मच में ले रही हूँ, और आधी छोटी चमची मेथी दाना, 1 और आधा चम्मच राई दाना, आधी छोटी चमची अजवाइन, हाफ आधी चमची कलौंजी, थोड़े से मैं यहाँ पे पिसे हुए मसाले भी शामिल कर रही हूँ जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चमची हल्दी, और आधी छोटी चमची आमचूर पाउडर। सारे साबित मसालों को इमामदस्ते में डाल के मैंने यहाँ पे कूट लिया है। अब सारी सब्जियों को मैंने एक बड़े बाउल में डालकर इसमें जो पिसा हुआ मसाला रखा हुआ था वो सब शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे एक तरफ रख दिया। अचार में तेल का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है तो यहाँ मैं 1.25 कप के करीब सरसों का तेल ले रही हूँ और इसको मैंने यहाँ पे जलाऊंगी नहीं, बल्कि हल्का सा गर्म होने पे जो मैंने मसाले कूट के रखे थे वो सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए। दरमियानी आंच पर मैंने इन मसालों को 1-2 हाथ चलाया और फिर मसाले लगी हुई सब्जियां शामिल कर दी। सब्जियां
सब्जियों को मैं यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट दरमियान ही आँच पे फ्राई कर रही हूँ। अचार ठंडा हो गया तो मैंने इसे एक साफ़ और खुश्क जार में जो है भर लिया। बस अब ये तैयार है। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से तेल, कच्चा तेल और डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल और इसमें शामिल कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।